सब्सक्राइब करिए एसआर मोटू वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर मोटू वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं केटीएम ड्यूक 125 जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, जिसका मैं एक रिव्यू भी डाल चुका हूं ऑलरेडी चैनल पर। वो रिव्यू अगर आपको देखना हो तो आपको डिटेल्ड रिव्यू का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करने वाला हूँ। कहीं से भी मेरा ये मोटिव नहीं रहेगा पूरी वीडियो से कि आप KTM Duke 125 ना खरीदें या ये एक बेकार गाड़ी है। इसके एडवांटेजेस की भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि क्यों आपको ये गाड़ी खरीद लेनी चाहिए। तो डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आप 1 लाख से ऊपर इस गाड़ी के लिए अपनी मेहनत की कमाई खर्च कर रहे हैं, तो ओनर बनने से पहले तो ये सब चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए। सबसे पहला डिसएडवांटेज यहाँ पर निकल के आता है, वो है ड्यूक 125 और ड्यूक 200 दोनों ही सेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड हैं गाड़ियाँ। डिसएडवांटेज इसका ये निकल के आता है कि 810 mm की सीट हाइट है। 810 mm की सीट हाइट जो है वो शॉर्ट राइडर के लिए बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मैंने जब राइड करी तो मैं यामा FZ का राइडर हूँ, मैंने जब वो गाड़ी राइड करी तो मेरे पैर में प्लांट कर पा रहा था ज़मीन पर। मेरी हाइट अप्रॉक्स 5.8 या 5.9 फुट के आसपास है। दूसरी प्रॉब्लम इसकी जो है वो है मेंटेनेंस कॉस्ट। अगर आप एक 125 सीसी बाइक ले रहे हैं, और ये वो मार्केट है, इंडियन मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे 125 सीसी बाइक 60 से 70 हज़ार की ऑन रोड प्राइस में बिकती हैं, वहाँ पे KTM ने 1,30,000 या 1,35,000 की ऑन रोड प्राइस पे बेची है 125 सीसी। तो इसमें मेंटेनेंस भी ज़्यादा है। मेंटेनेंस क्यों ज़्यादा है? इसमें फ्यूल इंजेक्टर, एडवांस सिस्टम्स दिए हुए हैं, लिक्विड कूलिंग सिस्टम दिया है, कूलेंट का खर्चा है, अगर रेडिएटर फट गया तो लंबा खर्चा आ जाएगा, और इंजन में ऑयल जो है वो महंगा वाला मांगेगा, यानी कि फुली सिंथेटिक ऑयल मांगेगा या फिर नॉर्मल ऑयल भी मांगेगा। तो वो जो कॉस्ट होगी वो दूसरी 125 सीसी के कंपैरिजन में तो ज़्यादा होगी। हाँ, आप लोग बोलेंगे कि ये तो बेवकूफ़ी बात कर रहे हो कि ये जो है गाड़ी जो है वो बहुत एडवांस दे रहे हैं और उस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है, गाड़ी अच्छी है, सब है, गाड़ी अच्छी है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेंटेनेंस अगर कोई 125 सीसी सोच के अगर आप ये खरीद रहे हैं कि मुझे KTM की ब्रांड वैल्यू भी मिल जाएगी, मुझे इंजन भी मिल जाएगा, अच्छा पावर भी मिल जाएगी, लेकिन मेंटेनेंस से मैं बच जाऊँगा 125 सीसी होने से, नहीं, आप नहीं बचेंगे मेंटेनेंस से। अगला डिसएडवांटेज यहाँ पे मैं कहूँगा प्राइस को। अब आप ये बोलेंगे कि प्राइस जो है क्यों डिसएडवांटेज है, जब कंपनी उस प्राइस के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी दे रही है तो वो डिसएडवांटेज नहीं हुआ। वैल्यू फॉर मनी दे रही है कंपनी, मार्केट वैल्यू के हिसाब से नहीं दे रही। मार्केट वैल्यू और वैल्यू फॉर मनी दोनों में बहुत फ़र्क है। मार्केट वैल्यू के हिसाब से ये गाड़ी नहीं बिक रही। तो अगर मारुति 800 है और फॉक्स वैगन एक ब्रांड है, तो फॉक्स वैगन अगर कहता है मैं 800 सीसी की गाड़ी बना के तो मैं बेच रहा हूँ मारुति 800 की डबल प्राइस पे, तो कोई नहीं खरीदेगा। कोई 800 सीसी गाड़ी फॉक्स वैगन की क्यों खरीदेगा जस्ट डबल प्राइस पे? तो बात ये हुई। तो वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से गाड़ी 125 सीसी में जस्ट डबल प्राइस की है। इस मार्केट में 60 से 70 हज़ार की गाड़ियाँ 125 सीसी बिकती हैं, तो आपने जस्ट डबल प्राइस दे दी, 1,30,000 या 1,40,000 ऑन रोड प्राइस। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इस बाइक का है पिलियन कंफर्ट। वो ड्यूक 200 से कैरेड ओवर प्लेटफॉर्म है ये वाला, तो इसमें ड्यूक 200 में भी यही प्रॉब्लम थी जो मैंने डिस्कस करी थी उसके कॉन्स में, और इसमें भी यही प्रॉब्लम है कि पिलियन जो सीट है वो काफ़ी छोटी है। अगर आप गाड़ी की लेंथ देखेंगे तो गाड़ी की जो लेंथ है ना, सैडल यानी कि सीट लेंथ जो है वो टायर, रियर टायर के हाफ में ही ख़त्म हो जाती है। तो गाड़ी जो है कॉम्पैक्ट बनाने की कंपनी ने कोशिश करी है, लेकिन इतनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट बनाने कि पिलियन उस पर नहीं बैठ सकता है, तो पिलियन लॉन्ग राइड्स पर शायद ना बैठ पाए। नेक्स्ट डिसएडवांटेज यह है कि KTM ने क्या करा कि ड्यूक 200 और ड्यूक 125 के लुक्स ना सिमिलर कर दिए। तो अब ड्यूक 200 वाले की भी वैल्यू खत्म हो गई, और दूसरी चीज यह कि 2013 वाले लुक्स हैं जो कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर रही है, तो ये लुक्स काफी ज्यादा आउटडेटेड हो गए। तो कस्टमर जो है वो ये सोचेगा कि इतने ज्यादा आउटडेटेड लुक्स लेने का फायदा क्या है। लास्ट डिसएडवांटेज यहाँ पर KTM Duke 125 का है, इसका माइलेज।
अगर आप 125cc दूसरी बाइक से इसको कंपेयर करते हैं जो 60 के आसपास माइलेज देती है, जैसे शाइन को कंपेयर कर लिया जाए, वैसे कंपैरिजन में तो कोई गाड़ी आती ही नहीं है अभी मार्केट में इसकी, लेकिन अगर कंपेयर कर लिया जाए तो 125cc की गाड़ी है और वो 60 के आसपास माइलेज क्लेम करती है कंपनी। लेकिन इसमें आपको माइलेज 60 वाट का नहीं मिलने वाला है, इसमें आपको माइलेज जो है 35 से 45 के बीच में मिलेगा, 35 से 45 के बीच में, क्योंकि पावर ज़्यादा है तो माइलेज आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दोस्तों यही थे कुछ डिसएडवांटेजेस, कहीं से भी ये मोटिव नहीं था कि आप KTM Duke 125 में खरीदें। KTM Duke 125 बहुत अच्छी गाड़ी है, आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं और इसके प्रोज की भी वीडियो जल्दी ही आने वाली है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टिल देन, वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।